हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे सियाचिन के पास पीओके में नई हरकत करता हुआ पकड़ा गया चाइना सैटेलाइट। तस्वीरों में बहुत बड़ा खुलासा, जस्ट पास में तैनात है भारतीय सेना। बताएंगे क्या हरकत किया है चाइना ने। साथ ही लंदन में एनआईए को मिली बहुत बड़ी कामयाबी, भारतीय उच्चायोग के हमलावर को किया गिरफ्तार। जी हाँ, इंद्रपाल सिंह गाबा को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ चीन ने तिब्बतियों की चारागाह भूमि पर कर लिया अवैध कब्जा, जिसके बाद अब मामूली से मुआवजे का बना रहा है दबाव। बताएंगे आगे क्या हुआ। साथ ही भारत के इस पड़ोसी देश में पहुंच रही चीनी सेना, जी हाँ बांग्लादेश में पहुंच रही है चीनी सेना की टुकड़ी। बताएंगे आखिर क्यों भगवान के नाम पर वोट मांगने के लिए पीएम मोदी पर लगे 6 साल का बैन, कोर्ट में आज सुनवाई। बताएंगे विपक्षी कैसे पड़ गए हैं पीएम मोदी के पीछे, सारी जानकारियां बताएंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और खबरों में आगे बढ़ने से देश भारत का भारतीय सेना का दिल से समर्थन करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। तो वहीं इलेक्शन का समय चल रहा है दोस्तों, तो वोट जरूर करिएगा चाहे जिसको भी, लेकिन वोट करना मत भूलिएगा क्योंकि वोटिंग हमारा अधिकार है। साथ ही बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां सियाचिन के पास पीओके में सड़क बना रहा चाइना सैटेलाइट। तस्वीरों में बड़ा खुलासा, पास में तैनात है भारतीय सेना। बता दे चीन के खतरनाक मंसूबों का एक बार फिर से बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। ताजा सैटेलाइट तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि चीन भारत को घेरने के लिए दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र के करीब पक्की सड़क बना रहा है। दरअसल चीन सियाचिन कॉरिडोर के करीब अवैध रूप से कब्जे वाले कश्मीर में कंक्रीट सड़क का निर्माण कर रहा है। ये खुलासा नई सैटेलाइट तस्वीरों में हुआ है। जी हां, चीन ये रोड शख्सगाम घाटी में बना रहा है। बता दे कि शख्सगाम घाटी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके का एक हिस्सा था, लेकिन पाकिस्तान ने इसे 1963 में चीन को सौंप दिया गया था। चीन जो सड़क बना रहा है वो उसके झिंजियांग प्रांत के हाईवे नंबर G219 से निकलती है, यानी G219 से निकलती है और अंदर पहाड़ों में जाकर खत्म हो जाती है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक सड़क जहां पर खत्म होती प्रतीत हो रही है, वहां से 50 किलोमीटर दूर सियाचिन ग्लेशियर में इंदिरा कोल स्थित है। ये वो इलाका है जहां भारतीय सेना पेट्रोलिंग करती है। मार्च के बाद से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने यहां का 2 बार दौरा किया है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा ली गई सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि सड़क का मार्ग पिछले साल जून और अगस्त के बीच बनाया गया था। जी हाँ, कारगिल, सियाचिन ग्लेशियर और पूर्वी लद्दाख की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय सेना के फायर एंड फ्यूरी कोर की है। इसी के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा ने बताया कि यह सड़क पूरी तरह से अवैध है और भारत को चीन के साथ अपना राजनयिक विरोध दर्ज कराना चाहिए। इस सड़क के निर्माण को सबसे पहले भारत तिब्बत सीमा के एक पर्यवेक्षक ने खुलासा किया था। ये पर्यवेक्षक एक्स यानी ट्विटर पर खुद को नेचर देसाई कहता है, जिसका ये ट्वीट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ऐसे में चीन की कितनी बड़ी जुड़रत आप देखिए कि पास में ही भारतीय सेना तैनात है और उसके बावजूद भी सियाचिन के पास पीओके में सड़क बना रहा है। ऐसे में अगर आप भी मानते कि इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को डिस्प्यूट उठाना चाहिए, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। और साथ ही साथ इस मुद्दे पर इस प्रोजेक्ट में पाकिस्तान ने बहुत बड़ी मदद की है चाइना की, और आज यही वजह है कि आज के सिनेरियो में अपना भारत चीन को झेल रहा है, तो वहीं आने वाले समय में पाकिस्तान भी सोचेगा कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी चीन को पीओके में अधिकार देकर। तो वहीं आपको बता दें बहुत बड़ी खबर भारत के लिए, बहुत बड़ी खुशखबरी, लंदन में एनआईए को मिली बहुत बड़ी कामयाबी। भारतीय उच्चायोग के हमलावर आरोपी इंद्रपाल सिंह गाबा हुआ गिरफ्तार। जी हां, ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग पर हमले के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। एनआईए ने हमले के आरोपी इंद्रपाल सिंह गाबा को गिरफ्तार कर लिया है। गाबा साल 2023 में लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग पर हुए हिंसक हमले और उसके बाद हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान गैर कानूनी कार्रवाइयों से संबंधित मामले में आरोपी था। एनआईए ने अपने बयान में बताया कि ब्रिटेन के हाउनस्लो निवासी इंद्रपाल सिंह गाबा को 19 और 22 मार्च 2023 को हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान गैर कानूनी गतिविधियों का अंजाम देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हाँ, बता दे लंदन में भारतीय उच्चायोग पर बीते साल 19 मार्च 2023 को खालिस्तान समर्थक तत्वों ने हमला बोल दिया था। उस दिन खालिस्तानी अलगाववादी आंदोलन से जुड़ा एक प्रदर्शन उच्चायोग के सामने रखा गया था। प्रदर्शन के दौरान लगभग 50 अलगाववादी उच्चायोग परिसर के अंदर घुस गए थे। खालिस्तान समर्थक उपद्रवियों ने भारतीय ध्वज यानी इंडियन फ्लैग को नीचे खींच लिया था, भारत के झंडे को नीचे, तिरंगे को नीचे खींच लिया था और उच्चायोग की बिल्डिंग में तोड़फोड़
विस्फोट की थी। हमले में अधिकारियों को भी चोटें आई थी। अब ऐसे में लंदन में भारतीय उच्चायोग पर हमले का प्रमुख आरोपी इंद्रपाल सिंह गाबा गिरफ्तार कर लिया गया है एनआईए के द्वारा। ऐसे में सबसे पहले आप लोग एनआईए को थैंक यू कहना मत भूलिएगा। आप सभी को ये वाक्या ये हमला याद होगा जो भारतीय उच्चायोग पर लंदन में किया गया था। किन किन को बहुत अच्छे से याद है कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा। तो वहीं आपको बता दें, चीन ने तिब्बतियों की चरागाह भूमि पर कर लिया अवैध कब्जा। अब मामूली मुआवजे का बना रहा दबाव। जी हां, चीन ने अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं और कब्जे की घटिया नीतियों के चलते तिब्बती परिवारों का शोषण भी बढ़ा दिया है। चीनी अधिकारियों ने तिब्बत के चामडो यानी चांगदू या कामदो शहर के मारखम बोले तो चीन का मांग कांग काउंटी में लगभग 25 तिब्बती परिवारों को मुआवजे की एक हास्यास्पद मामूली राशि देने की पेशकश की है, क्योंकि एक स्थानीय अधिकारी ने उनकी जानकारी के बिना व्यवसायियों को उनकी चारागाह भूमि अवैध रूप से बेच दी थी। रिपोर्ट के अनुसार प्रभावित परिवार जो काउंटी के लुओन जियांग ग्रामीण टाउनशिप में तकतसा गांव के निवासी हैं, उन्होंने अधिकारियों की सख्त चेतावनी के बावजूद मुआवजे के फैसले को अस्वीकार कर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया कि प्रत्येक को केवल 3000 युआन जो कि लगभग 415 अमेरिकी डॉलर होता है उसकी पेशकश की गई है। रिपोर्ट के अनुसार प्रभावित परिवारों को बिना विरोध के मुआवजा स्वीकार करने का आदेश दिया गया है, क्योंकि उच्च अधिकारियों द्वारा तय की जा रही राशि पर बातचीत नहीं की जा सकती है। रिपोर्ट में अन्य निवासियों का हवाला देते हुए कहा गया है कि जो लोग सरकार के आदेश और संबंधित निर्देशों का पालन करने से इनकार करते हैं उन्हें कारावास का सामना करना पड़ सकता है। इनमें उनकी जमीन की अवैध जब्ती और स्थानीय निवासियों की प्रतिक्रिया के साथ साथ अधिकारियों की प्रतिक्रियाओं के बारे में देश के बाहर जानकारी लीक करना शामिल था। यानी कि एक तो आपकी जमीन हड़प ली, तो वहीं आपको मुआवजा कम से कम दिया जा रहा है और कम से कम मुआवजा भी आपको एक्सेप्ट करना ही होगा, वरना मुआवजा भी गया, आपको जेल भी होगी और आपकी जमीन भी चली जाएगी। यानी इतना बड़ा अत्याचार दोस्तों तिब्बती चारा गांव पर चाइना कर रहा है, ऐसे में वो भी खुलेआम। इस पर अगर आप भी मानते एक्शन तो होना ही चाहिए, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। तो वहीं आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के सोपोर में सेना और आतंकियों के बीच बड़ी मुठभेड़, एक नागरिक को लगी गोली। दरअसल जम्मू कश्मीर से आतंक का नामो निशान मिटाने के लिए सेना और स्थानीय पुलिस का अभियान लगातार जारी है। गुरुवार को बारामूला जिले के सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच फिर से मुठभेड़ हुई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया है कि सोपोर जिला पुलिस के क्षेत्र में चेक मोहल्ला नौपौरा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। अधिकारियों की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इस इलाके में दो आतंकवादियों के होने की सूचना है, जिनको पकड़ने के लिए अभियान चलाया गया है। अधिकारियों के मुताबिक आतंकियों के खिलाफ सेना और सीआरपीएफ के साथ संयुक्त अभियान चलाया गया है। उन्होंने कहा कि आतंकियों के होने की जानकारी जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा एकत्रित की गई थी। जैसे ही सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया, छिपे हुए आतंकवादियों ने तलाशी दल पर गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद सेना की ओर से भी आतंकियों पर जवाबी कार्रवाई की गई और मुठभेड़ शुरू हो गई। ऐसे में सूत्र से खबर आ रही है कि एक नागरिक को भी गोली लगी है, वो भी आतंकवादियों ने अंधेरे का फायदा उठा करके ये करने की हिमाकत की। अब ऐसे में जिनको गोली लगी है अगर वो घायल हुए तो वाकई में आप लोग गेट वेल सून उनको कहना मत भूलेगा, ताकि आपकी दुआएं लगे और वो जल्द से जल्द ठीक हो सके। साथ ही साथ बता दें, पाकिस्तान के बाद श्रीलंका पहुंचे ईरानी राष्ट्रपति रईसी दोनों देशों के रिश्तों पर कह दी ये बात कि ईरान व कोलंबो में अच्छे संबंध हिंद महासागर क्षेत्र के लिए होंगे फायदेमंद। जी हां, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने कहा है कि श्रीलंका के साथ बेहतर संबंधों से दोनों देशों और हिंद महासागर क्षेत्र को फायदा होगा। ईरान फ्रंट पेज बोले तो IFP वेबसाइट की खबर के अनुसार रईसी ने बुधवार को यहां श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे जी के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में ये बात कही। रईसी ने कहा कि ईरान श्रीलंका को अपने आर्थिक और औद्योगिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने में मदद करने के वास्ते प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग सेवाओं की आपूर्ति करने के लिए तैयार है। जी हां, तो वहीं आपको बता दें, भारत के पड़ोसी देश में पहुंच रही चीनी सेना दिल्ली के पुराने दोस्त पर ड्रैगन की पैनी नजर। क्या जिनपिंग इसमें हो पाएगा कामयाब? आपको बता दें, चीन अपनी सेना की एक टुकड़ी को भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में तैनात करने जा रहा है। चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता वू कियान ने इसकी जानकारी दी है। कियान ने बताया है कि बांग्लादेश की सेना के साथ संयुक्त प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA की एक टुकड़ी को मई की शुरुआत में बांग्लादेश में तैनात किया जाएगा। चीन और बांग्लादेश की सेनाओं के बीच ये पहली ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग है। चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता के हवाले से बताया कि प्रशिक्षण का उद्देश्य चीन और बांग्लादेश के बीच आपसी समझ, दोस्ती को मजबूत करना और दोनों पक्षों के बीच व्यवहारिक आदान प्रदान और सहयोग को बढ़ाना है। जी हां, आपको बता दें, पिछले साल पेंटागन की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि
चीन कई देशों में अपनी सैन्य मौजूदगी दर्ज करना चाहता है। इनमें भारत के चार पड़ोसी बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान और म्यांमार भी शामिल है। यही नहीं, शेख हसीना जिस तरह से चीन के साथ रक्षा संबंधों को बढ़ा रही है, उससे बीजिंग को बांग्लादेश के रणनीतिक क्षेत्र में घुसपैठ का बहाना मिल रहा है। ये संयोग नहीं है कि एक तरफ जहां बांग्लादेश में कट्टरपंथी भारत विरोधी अभियान चला रहे हैं, तो वही चीन ने भी अपनी सक्रियता बढ़ाई। ऐसे में अगर ये सक्रियता लगातार कंटिन्यूसली जारी रहा तो मालदीव की ही तरह क्या कहीं बांग्लादेश को भारत से छीन कर ले जाएगा क्या चाइना? क्या लगता है दोस्तों आपको, इस पर आप क्या जवाब देंगे कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। तो वहीं आपको बता दें, भारतीय सेना में अग्निवीर बनने को बेकरार नेपाली युवा आखिर कहां फंस चुका है? पेच अपनी ही सरकार को कोस रहे हैं। बता दें, भारतीय सेना की अग्निपथ भर्ती योजना का मुद्दा एक बार फिर नेपाल के लोगों के बीच चर्चा में है। इसका कनेक्शन भारत के चुनावों से है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया है कि सरकार में आने पर वो अग्निपथ योजना को रद्द कर देगी और सैनिकों की भर्ती एक बार फिर पुराने तरीके से बहाल करेगी। कांग्रेस के सहयोगी शरद पवार की एनसीपी ने भी अपने चुनावी घोषणा पत्र में अग्निपथ को खत्म करने की बात कही है। भारत के प्रमुख विपक्षी दल की इस घोषणा के बाद अग्निपथ योजना एक बार फिर से चर्चा में है। भारतीय सेना में शामिल युवाओं को शामिल किया जाता रहा है, लेकिन 2022 में अग्निपथ योजना लॉन्च किए जाने के बाद से इनकी भर्ती नहीं हुई है। अब एक बार फिर नेपाली युवाओं की उम्मीद जागी है। भारतीय सेना में एक बड़े बदलाव के तहत 2022 में अग्निपथ योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत स्थायी सैनिक भर्ती की जगह अग्निवीरों की भर्ती करने का प्रावधान लाया गया। इन अग्निवीरों में से 25% को ही स्थायी सैन्य सेवा में रखने का नियम है। बाकी 75% अग्निवीरों की सेवा 4 साल के बाद समाप्त कर दी जाएगी। आप सभी जानते ही होंगे दोस्तों, नेपाल सरकार ने इस नीति को अपने युवाओं के लिए उपयुक्त नहीं माना है और उसने नेपाली युवाओं के लिए इस योजना के तहत भर्ती पर रोक लगा दी। इसके बाद से भारतीय सेना में गोरखा रेजिमेंट में जवानों की संख्या लगातार घटती जा रही है। नेपाल से भर्ती होने वाले युवाओं को गोरखा रेजिमेंट में रखा जाता रहा है। अब ऐसे में नेपाल सरकार ने भले ही युवाओं की भारतीय सेना में भर्ती पर रोक लगा दी है, लेकिन नेपाली युवाओं ने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी है। नेपाल में युवाओं का एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो भर्ती को लेकर नेपाल सरकार को कोस रहा है। नेपाल सरकार की रोक को सही नहीं मानता है। एक युवा ने बीबीसी से बताया कि नेपाल सरकार खुद देश में रोजगार पैदा नहीं कर पा रही है, ऐसे में भारत में होने वाले भर्ती पर रोक नहीं लगानी चाहिए। उन्होंने बताया कि नेपाल में हजारों की संख्या में युवा भारतीय सेना में भर्ती होना चाहते हैं, लेकिन सरकार की रोक के बाद उनका भविष्य संकट में है। नेपाल के इन युवाओं को 4 साल की सेवा से भी कोई दिक्कत नहीं है। उनका कहना है कि जब अपने देश में कोई रोजगार नहीं है तो 4 साल की सेवा में कोई समस्या नहीं है। 4 साल की सेवा के बाद हाथ में कुछ पैसे आएंगे जिनकी मदद से वे भविष्य में कोई रोजगार कर सकेंगे। क्योंकि आपको याद होगा, जब नेपाल सरकार ने अग्निवीर के लिए नेपाली युवाओं की भर्ती पर बैन लगाया, इसके बाद नेपाल के युवा जो है वो रशिया के सेना में शामिल होने लगे, जहां पर उनकी जान जाने लगी। यहां तक कि उनके परिवारों को उन युवाओं के मृत्यु के बाद उनकी लाश तक नसीब नहीं हुई। ऐसे में अब नेपाली युवा चाहते हैं कि वो अग्निवीर में भी भर्ती होंगे, लेकिन नेपाल की सरकार उसमें दीवार बनकर खड़ी है। बहरहाल इस पर आपकी अब जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। और जिस प्रकार से अग्निवीर को खत्म करने की योजना बनाई जा रही है कांग्रेस के द्वारा, क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या कांग्रेस का यह सपना सपना ही रह जाएगा? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा आप लोग। तो वहीं आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू पर चीनी सेना का आया रिएक्शन। कहा, बॉर्डर पर हालात नॉर्मल, हम भी चाहते हैं शांति। जी हाँ, चीन की सेना ने गुरुवार को बताया कि भारत चीन सीमा पर इस समय हालात सामान्य तौर पर स्थिर है और दोनों पक्षों ने पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध को सुलझाने के लिए प्रभावी संचार कायम रखा है। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता वरिष्ठ कर्नल वू कियान की यह टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यूज वीक पत्रिका को दिए हालिया साक्षात्कार पर प्रतिक्रिया देते हुए आई है। कर्नल वू कियान ने कहा कि दोनों पक्षों ने राजनयिक और सैन्य चैनलों के माध्यम से प्रभावी संचार बनाए रखा है, सकारात्मक और रचनात्मक संवाद किया है, वो सकारात्मक प्रगति हासिल की है। दोनों पक्ष गतिरोध को सुलझाने के लिए यथासंभव जल्द से जल्द परस्पर स्वीकार्य समाधान पर पहुंचने के लिए सहमत हो गए हैं। जी हां, तो वही बता दें, भारत के लिए बड़ी खुशखबरी की खबर, दुनिया में दूसरा सबसे सस्ता बना भारत का पासपोर्ट, टॉप पर रहा ये मुस्लिम देश। बता दें, ऑस्ट्रेलिया की फर्म बोले तो कंपेयर दी मार्केट एयू ने दुनिया भर के पासपोर्ट की रैंकिंग को लेकर अध्ययन किया है, स्टडी की है, जिसके अनुसार भारत का पासपोर्ट दुनिया में दूसरा सबसे सस्ता पासपोर्ट बन चुका है, जबकि यूनाइटेड अरब अमीरात बोले तो यूएई का पासपोर्ट टॉप पर रहा है। स्टडी के अनुसार भारत के पासपोर्ट ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। स्टडी में सभी देशों के पासपोर्टों की तुलना से पता चला है कि भारत का पासपोर्ट दुनिया का दूसरा सबसे सस्ता पासपोर्ट है। ऑस्ट्रेलियाई फर्म के अध्ययन के अनुसार 10 साल की वैलिडिटी के लिए भारतीय
पासपोर्ट की कीमत 1505 रुपए है, जबकि यूएई 5 साल के पासपोर्ट के लिए 1474 रुपए का शुल्क लेता है। जी हाँ, अध्ययन के अनुसार भारत का पासपोर्ट दूसरा सबसे सस्ता पासपोर्ट होने के नाते वैलिडिटी की साल भर की लागत के हिसाब से भी दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट है। ऑस्ट्रेलियाई फर्म ने अपनी स्टडी में विभिन्न देशों के पासपोर्ट की लागत को लेकर तुलना की है। ऐसे में हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं, कमेंट में कहना मत भूलिएगा। तो वहीं आपको बता दें, भारत से हाथ मिला लो शहबाज शरीफ, फायदे में रहोगे। जी हाँ, पाकिस्तानी बिजनेस लीडर ने खुले मंच से दी थी शहबाज शरीफ को सामने से ये सलाह। बता दें, पाकिस्तान इस समय ऐतिहासिक आर्थिक संकट से जूझ रहा है। ऐसे में देश के बड़े बड़े बिजनेस लीडर ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भारत के साथ संबंध सुधारने का आग्रह किया है। आरिफ हबीब नाम के कारोबारी नेता ने पीएम शहबाज से कहा कि पाकिस्तान को देश की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए पड़ोसी देशों विशेषकर भारत के साथ संबंध सुधारने पर विचार करना चाहिए। तो वहीं आपको बता दें, पाकिस्तानी झुनझुन वाला ने लगाई गुहार, जिसके बाद अपने ही जाल में फंस गया जिन्ना का देश। अब ऐसे में शरीफ ने क्या जवाब दिया आपको वो भी बता दें। शहबाज शरीफ ने भारत से व्यापार शुरू करने और इमरान खान से हाथ मिलाने को लेकर किए सवालों का कोई सीधा जवाब नहीं दिया। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि जितने भी सुझाव उन्हें दिए गए हैं उस सब उन्होंने नोट कर लिए हैं और वो उन पर अमल करेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक सभी वर्तमान मुद्दों को सुलझा नहीं लिया जाता, वो देश भर के व्यापारियों के साथ बातचीत करते रहेंगे। व्यापारियों से मुलाकात के दौरान पीएम शरीफ ने अपने भाषण में प्रमुखता से बांग्लादेश का जिक्र किया और कहा कि पाकिस्तान से निकला देश आज खूब तरक्की कर रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश, जो कि कभी देश के लिए बोझ समझा जाता था, आज उद्योगों के मामले में बहुत आगे निकल चुका है। पाकिस्तानी पीएम ने कहा, मैं बहुत छोटा था जब हमें बताया गया कि ये हिस्सा हमारे कंधों पर बोझ है। आज आप सभी जानते हैं कि वो बोझ आर्थिक विकास के मामले में कहां से कहां पहुंच गया है और आज जब हम उनकी तरफ देखते हैं तो खुद पर शर्म आ जाती है। ऐसे में बिजनेसमैनों ने शहबाज शरीफ को क्लियर बताया है। अगर हम उन सभी बिजनेसमैन के बातों का एवरेज निकाले तो उन्होंने क्लियर शहबाज शरीफ को कहा है कि अगर हम आज गर्त में है तो उसकी सबसे बड़ी वजह हम खुद है। जी हां, साथ ही बता दें, सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई, सर्चिंग के दौरान 2 महिलाओं समेत 7 नक्सली हुए गिरफ्तार। जी हां, छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने 2 महिलाओं समेत 7 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है तथा उनसे विस्फोटक बरामद किया है। पुलिस अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले के गंगालूर थाना क्षेत्र में चोखनपाल गांव के जंगलों में सुरक्षा बलों ने 2 महिलाओं समेत 7 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। तो वहीं बता दें, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इटली की पीएम मेलोनी से की बात, आखिर किस बात को लेकर कहा धन्यवाद। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुरुवार को इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी जी से बात की, जून में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने इटली के मुक्ति दिवस की 79वीं वर्षगांठ पर वहां की प्रधानमंत्री मेलोनी और इटली के लोगों को बधाई दी। उन्होंने ये भी बताया कि जून में G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित करने के लिए मैंने उन्हें धन्यवाद दिया। भारत में आयोजित G20 के रिजल्ट्स को G7 में आगे बढ़ाने पर चर्चा की। तो वहीं आपको बता दें, भगवान के नाम पर वोट मांगने के लिए पीएम मोदी पर लगे 6 साल के बैन, कोर्ट में आज सुनवाई। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर 6 साल का बैन लगाने की मांग करने वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। लोकसभा चुनाव के बीच ऐसा होता नजर आ रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट में पिछले दिनों याचिका दायर की गई थी जिसमें मांग की गई थी कि प्रधानमंत्री मोदी पर भगवान और पूजा स्थल के नाम पर वोट मांगने के लिए कोई भी चुनाव लड़ने से 6 साल का प्रतिबंध लगा दिया जाए। अब दिल्ली हाई कोर्ट आज यानी शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई कर रहा होगा। पीएम मोदी के खिलाफ दायर याचिका पर जस्टिस सचिन दत्ता सुनवाई करेंगे। एक वकील ने कथित तौर पर एक आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है और उन्हें चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने की मांग की है। आनंद एस जौंदले नामक वकील की याचिका में 9 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में पीएम मोदी के भाषण का हवाला दिया गया है। जी हां, दावा किया गया है कि रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कथित तौर पर भगवान व पूजा स्थल और हिंदू देवी देवताओं और हिंदू पूजा स्थल के नाम पर वोट मांगे थे। याचिका में पीएम मोदी को 6 साल की अवधि के लिए कोई भी चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है। क्या लगता है दोस्तों आपको ऐसे मुद्दे में, क्या विपक्ष अपनी इस चाल में कामयाब हो पाएगा? जो भी लगता हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताएगा। लेकिन दोस्तों आपके हिसाब से कौन होगा लोकसभा 2024 इलेक्शन के बाद अगला प्रधानमंत्री? कमेंट में लिखकर अवश्य बताएगा। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। तो वहीं आपको बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखी पीएम मोदी को चिट्ठी, न्याय पत्र पर बात करने के लिए मांगा समय। जी हां, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक चिट्ठी लिखी है। उन्होंने इस चिट्ठी के जरिए व्यक्तिगत तौर पर अपनी पार्टी के न्याय पत्र को समझाने के लिए समय मांगा है। 2 पन्ने की चिट्ठी में खड़गे ने लिखा कि इन दिनों प्रधानमंत्री के भाषण से वो ना तो चौंके हैं और ना ही उन्हें आश्चर्य हुआ है।
अपनी चिट्ठी में खड़गे ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में आपके भाषणों से ना तो मैं चौंका और ना ही मुझे आश्चर्य हुआ। चुनाव के पहले चरण में भाजपा की स्थिति को देखते हुए आप और आपकी पार्टी के नेता ऐसा कहेंगे इसका अंदाजा था। कांग्रेस हमेशा से ही वंचित गरीबों और उनके अधिकारों की बात करती रही है। हम जानते हैं कि आपको और आपकी सरकार को गरीबों की कोई चिंता नहीं है, ये कहना है दोस्तों। मल्लिकार्जुन खड़गे का जो पीएम नरेंद्र मोदी जी पर कटाक्ष करते नजर आए हैं, क्या आपको नहीं लगता कि इन सभी कटाक्ष का जवाब लोकसभा इलेक्शन के बाद मिलेगा? साथ ही साथ बता दें, वाराणसी में असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव को घेरा, मुख्तार अंसारी शहीद हुए जैसा दिया बयान। जहां वाराणसी में पीडीएम की पहली रैली को संबोधित करने के लिए एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे। बनारस के नाटी इमली के बुनकर कॉलोनी मैदान में हुई पीडीएम की रैली में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पीडीएम इसलिए बनाया गया जिससे यूपी की राजनीति में दलित पिछड़ों मुसलमानों के पास विकल्प हो। इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुख्तार अंसारी शहीद हुए हैं। ओवैसी ने कहा कि मुख्तार अंसारी का नाम लेकर कह रहा हूं, मुख्तार अंसारी एक इंसान था जिसको जहर देकर मार दिया गया, वो शहीद है, इनको मुर्दा कभी मत कहो, उनको बचाने की जिम्मेदारी बीजेपी की थी। इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मोदी की गारंटी का मतलब मुस्लिम से नफरत। तो वहीं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलसूत्र वाले बयान पर कहा कि मंगलसूत्र वाले बात पर हमारी जुबान मत खुलवाओ, बात बहुत दूर तक जाएगी, हम घुसपैठिए नहीं, हमने मुल्क को आजाद कराया, आरएसएस ने आजाद नहीं कराया। पीएम मोदी अखिलेश यादव को बताना चाहता हूं कि पीडीएम सिर्फ पार्लियामेंट की सीमा तक सीमित नहीं रहेगा, ये पीडीएम की शुरुआत आने वाले पार्लियामेंट में और विधानसभा चुनाव में भी रहेगा। तो वहीं आपको बता दें, आज 13 राज्यों की 88 सीटों पर होगी वोटिंग। राहुल गांधी, भूपेश बघेल, पप्पू यादव जैसे दिग्गजों की साख दांव पर। जी हां, लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। इस चरण में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की 8-8, बिहार की 5 सीटों के लिए वोटिंग होनी है, केरल की सभी 20, कर्नाटक की 14, राजस्थान की 13, मध्य प्रदेश की 6, असम की 5, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की 3-3, मणिपुर, त्रिपुरा और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की 1-1 सीट के लिए दूसरे फेज में ही मतदान हो रहा है। इस चरण में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला तक कई दिग्गजों की आज किस्मत दांव पर है। दूसरे चरण में जिन 88 सीटों पर मतदान होना है उनमें से कुछ सीटें किसी खास घटनाक्रम के कारण चर्चा में है, तो कुछ बड़े नेताओं के चुनाव लड़ने की वजह से। ऐसे में जो इस खबर को देख रहे हैं, क्या आपके भी इस राज्य में, आपके क्षेत्र में आज चुनाव है या नहीं, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। और अगर चुनाव था यानी है तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हर कोई जाकर वोट अवश्य डालिएगा, क्योंकि वोट का अधिकार हर एक नागरिक को है जो भारत का है। तो वहीं आपको बता दें, घुसपैठियों को देना चाहती है जनता की संपत्ति। कांग्रेस पर जमकर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ जी। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गुरुवार को विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश के संसाधनों को लगभग 60-65 सालों तक लूटा, अब उसकी नियत आम जनता की संपत्ति पर लगी हुई है, इस कारण अब वो विरासत टैक्स की बात कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट असम व देश के अन्य भागों में करोड़ों घुसपैठिए रोहिंग्या आए हैं, इनके पीछे कांग्रेस का वोट बैंक की पॉलिसी है, ये पहले से ही देश की कीमत पर राजनीति कर रहे हैं, विरासत टैक्स भी उसी का हिस्सा है। साथ ही दिल्ली एमसीडी का चुनाव हुआ कैंसिल, आम आदमी पार्टी ने पहले ही जताई थी इसकी आशंका। जी हां, दिल्ली नगर निगम के मेयर के 26 अप्रैल को होने वाले चुनाव टल गए हैं, इसकी वजह पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति पर पेंच फंसना बताया जा रहा है। इसके साथ ही एलजी ने चुनाव रद्द होने के कुछ कारण बताए हैं। दरअसल एमसीडी ने 26 अप्रैल 2024 को दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 की धारा 35(1) के तहत मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव कराने का प्रस्ताव दिया था। इसी अधिनियम की धारा 70(1) के तहत एक पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति होती है जो एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करती है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने चीफ सेक्रेटरी को लिखा कि जीएनसीटीडी एक्ट के तहत चुनाव करवाने के लिए पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति जरूरी होती है और यही बड़ा कारण है कि पहले हरी झंडी फिर एंड वक्त पर टाल दिया गया मेयर का चुनाव। ऐसे में ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।